एक दिन कोई बहुत बड़े ऋषि बड़ा प्रवचन दे रहे थे, तो मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था, उनको ले गए, मुझे मुझे भी ले गए, कहा कि चलिए मनवा देते हैं, क्षेत्र में तो सब कुछ करना पड़ता, तो गया, वोट तो चाहिए। तो मैं जब गया वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र अच्छा, फिर उसके बाद समाज, हमने कहा फिर कहा तब जाति व्यक्ति, हमने कहा बात करो। उदाहरण दे करके कि अगर आपको एक झापड़ हम मार दिया जाए तो राष्ट्र पहले होगा, किसान जब बंबई की सड़कों पर लाखों की संख्या में उतर पड़े तो सरकार ने उनका कर्ज माफ कर दिया, और 2 अप्रैल को जब इस देश में दलित सड़क पर उतर गए तो SC ST एक्ट भी बहाल हो गया और 5 मार्च का जो प्रक्रिया हो गई। तो हमने उठाया था मुद्दा क्रिकेट में आरक्षण का, अगर वो नौजवान हमारे लग गए होते तो लाखों की संख्या में अगर सड़क पर उतर गए होते, और जहां भी क्रिकेट होता है वहां ये भी जाकर पिच खोदने लगते, जैसे शिवसेना वाले जाकर के क्रिकेट का ग्राउंड खराब करने लगते, ये भी खराब करने लगते, तो आरक्षण इनको देना पड़ता। ये आरक्षण हमें नहीं चाहिए, या जो मंच पर परिसंघ के लीडर आप बैठे हैं इनको नहीं चाहिए। हमारे SC ST OBC छात्रों को, नौजवानों को चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आज निजाम है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर का एटीट्यूड है, मीडिया का एटीट्यूड है, सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड है, बिना ताकत के आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, और ताकत अब बंदूक की नहीं चाहिए, ताकत अब चाहिए सिर की, ताकत यह चाहिए संख्या। एक दिन हुआ क्या कि महिलाओं को मैंने यहाँ मीटिंग ले रहा, एक बहुत बड़ी महिला आई, कहा कि हम महिलाओं को चरित्रवान हो जाएगा, चरित्रवान पुरुष को नहीं होना चाहिए, एक महिला को चरित्रवान होना चाहिए, क्यों नहीं महिला है, वो इनसिक्योर महसूस करती, असुरक्षित महसूस करती, मर्दों के उसमें जमा है, मर्दों के जवाब में करती, इसलिए कि आप हम भी जैसे तो मनवादी समाज, उसी तरीके से हम भी उनको अपनी नजर से देखें, हमारा रिजर्वेशन छीना जाए, हमें ऑफिस में डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए, हमारा प्रमोशन न हो तो हमें तो नाजायज लगता है, और हम अपनी औरतों के साथ नहीं करें तो वहां मिलकर के नौजवानी, मुझे कहना नहीं कि मंच में कोई बैठे हुए हैं, उन्होंने एक औरत के बारे में कहा था, अरे इसका चरित्र ठीक नहीं, इससे बात नहीं करना चाहिए, हमका कोई ना कोई मर्द भी तो होगा, अगर चरित्र ही कोई औरत होती तो चरित्र ही कोई व्यक्ति अधिकारों की कोई कटौती करके तो देख तो ले, आप भी गदगद होके चले जाएंगे, और उसके बाद में कुछ होगा नहीं। ज्यादातर जो कायर और भरपूर और बिकाऊ नेता सांसद विधायक है, इसी तरीके का भाषण देंगे, और पार्टी के हुकुमरान के सामने खड़े तो नहीं हुए, नतमस्तक हो जाए वहां दीवान करनी। विनोद कामली से हमने पहले तो बातचीत कर लिया कि आपके साथ अन्याय होता है, उन्होंने कहा हाँ, और जब मीडिया में उठ गया तो डर गया, कहता नहीं मैंने कहा ही नहीं, तो उसका पहले फिर मैंने देखा, इंटरनेट पर बयान देखा कि 2009 में उसने कहा था कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, सचिन तेंदुलकर से हम वो कम बेहतर नहीं था, सचिन तेंदुलकर दोस्त भी थे और सचिन तेंदुलकर के मुकाबले का खिलाड़ी था, लेकिन वो उठते ही मार दिया गया और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया गया, और यही नहीं इनको MP बनाया, MP बनने के 5 साल में 12 10 12 साल भी 10 12 बार भी नहीं आया, 60
70 लाख रुपया उसको यहाँ से सैलरी एमानुमेंट भी मिली।